हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, जो कि है फार्माकोग्नोसी का, डी फार्म फर्स्ट ईयर का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे हर्ब एज अ हेल्थ फूड, मतलब कुछ ऐसे खानों के बारे में, कुछ ऐसा भोजन जिसको हम खाएं तो पेट तो भरे ही भरे, साथ साथ में क्या हो, हेल्थ है ना, कुछ बीमारियां भी हमारी सही हो जाए। आज जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो चीज़ है क्या, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है ना, काफी कुछ जानते होगे इसके बारे में तुम लोग। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग, कैरोटीनॉइड्स। तो क्या होते हैं कैरोटीनॉइड्स, समझने की कोशिश करते हैं। कैरोटीनॉइड्स इज द बेसिक सोर्स ऑफ येलो। अब मोटा मोटा दिमाग में डाल लो, मोटा मोटा क्या रियलिटी है ये, मोटा मोटा क्या डालना, कि जितना भी येलो, ऑरेंज एंड रेड प्लांट पिगमेंट्स, पिगमेंट्स मतलब जो भी कलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, कलर मॉलिक्यूल। हमें दुनिया जहां में जो भी कलर, कुदरती कलर दिखाई दे रहा है, कैसा कलर, कुदरती कलर, प्लांट के अंदर, ठीक है, एनिमल्स के अंदर, उनका जो भी हमें कुदरती कलर दिखाई दे रहा है वो बिकॉज ऑफ दिस क्या है, पिगमेंट्स की वजह से। ठीक है ना, तो कैरोटीनॉइड्स इज द बेसिक सोर्स ऑफ। तो कैरोटीनॉइड्स क्या है, येलो ऑरेंज और प्लांट येलो ऑरेंज और रेड जो कलर आता है प्लांट्स के अंदर, उसका सोर्स है। उस सोर्स को, उस कलर मॉलिक्यूल्स को हमने क्या नाम दिया, कैरोटीनॉइड नाम दिया। लेकिन ये कलर के साथ साथ कुछ और भी बहुत सारे काम करता है। और देखें, कैरोटीनॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड। कहां पर बनता है ये, कुदरती तौर पे, बैक्टीरिया में, एल्गी में, फंजाई में एंड प्लांट्स में, बट नॉट बाय एनिमल्स। कैरोटीनॉइड्स को एनिमल खुद से नहीं बनाते हैं, तो फिर जानवरों में कलर कहां से आते हैं? अगर जानवर उसे खुद से कलर नहीं बनाते हैं तो वो कलर जानवरों में आते कहां से हैं फिर? तो हम लोग कहते हैं जीन्स। ठीक है ना, बहुत सारी बातें आती हैं और कुछ कलर जानवरों के अंदर इसकी वजह से आते हैं। किसकी वजह से? कैरोटीनॉइड्स की वजह से। विच मस्ट बी ऑब्टेन देम फ्रॉम देयर फूड, जिसको कि वो लोग कहां से, खाने से एक्वायर करते हैं। मतलब कुछ कलर जानवरों में ऐसे होते हैं कि जो खाना खाते हैं खास तरह का, उसके अंदर कैरोटीनॉइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर वो खास कलर आता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ओके। दे आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरोटीनॉइड हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, फ्रॉम बैक्टीरिया, ईस्ट, एल्गी टू हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, सब में ये पाए जाते हैं। दीज कंपाउंड्स आर अ ग्रुप ऑफ मोर देन 700 नेचुरली ऑकरिंग पिगमेंट्स। ये जो कैरोटीनॉइड एक ग्रुप है, जिसको हमने मिला करके कैरोटीनॉइड बोल दिया, इसके अंदर लगभग 700 से ज्यादा पिगमेंट पाए जाते हैं ना, पिगमेंट मतलब कलर मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है, ठीक है। बायोसिंथेसाइज डीनोवो बाय प्लांट्स, एल्गी एंड फंजाई एंड बैक्टीरिया, मतलब ये डीनोवो मतलब ओरिजिनल तौर पे प्लांट्स, एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया के अंदर ही बनते हैं, जानवरों के अंदर ये नहीं बनते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन बी फाउंड इन हायर प्लांट्स, स्पेशली इन देयर लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ऑब्वियसली बात है, हमें प्लांट्स के अंदर कलरफुल चीज क्या दिखाई पड़ती है, पत्ते, फ्रूट्स, फ्लावर। तो जाहिर सी बात है, अगर क्वेश्चन आता है कि बताओ प्लांट्स में कैरोटीनॉइड्स कहां पाया जाता है, तो लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, जो चीज कलरफुल है वहां पाया जाएगा। ऑन द अदर हैंड, एनिमल्स कैनॉट सिंथेसाइज कैरोटीनॉइड्स। एनिमल्स कैरोटीनॉइड्स को सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, सो देयर प्रेजेंस इज ड्यू टू डाइट्री इनटेक। तो अगर जानवरों के अंदर कैरोटीनॉइड पाया गया है या पाया जाता है, तो उसके पीछे वजह क्या है, कि वो कुछ ऐसा खाते हैं जिनके अंदर कैरोटीनॉइड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल द पिंक सालमोन फ्लैश, ठीक है, सालमोन का जो पिंक फ्लैश है, पिंक कलर का फ्लैश है, मैनी बर्ड्स प्लूमेज, बर्ड्स के जो रंगीन पंख है, ओ देयर कलर, ओ मतलब वो कलर है उनका, बिकॉज ड्यू टू कैरोटीनॉइड्स, ये कलर जो है वो कैरोटीनॉइड्स की वजह से है। नाउ कैरोटीनॉइड्स आर स्ट्रक्चरली डिवाइडेड इनटू टू मेजर क्लास। अगर बात किया जाए कैरोटीनॉइड्स को बड़े तौर पे, तो दो क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है कैरोटीन्स, ठीक है, क्या है इसके अंदर, विच आर एक्सक्लूसिवली हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन कंपाउंड होते हैं, बस एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा। कौन कौन आते हैं इसके एग्जांपल, ए कैरोटीन, बीटा, बी कैरोटीन, लाइकोपीन, है ना, दोज विदाउट ऑक्सीजन, इनके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है कैरोटीन के अंदर। देन है जेंथोफिल्स, फॉर एग्जाम्पल ल्यूटीन, जियाजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, एस्ट्राजेंथिन, विच आर ऑक्सीजनेटेड। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ जा रही है, कंटेनिंग हाइड्रोक्सिनोक्सल मतलब OH, मिथॉक्सी मतलब OCS3, है ना, कार्बोक्सिल मतलब CO, कीटो सॉरी कार्बोक्सिल हो गया अपने पास, COOH वाला ग्रुप आ गया ये, ठीक है ना, कीटो आ गया अपने पास, C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, और इपॉक्सी ग्रुप।
तो कुछ ऐसे ग्रुप्स आगे जुड़ जाते हैं जिनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से इनको हम लोग फिर ज़ेथ्रोफिल एक नई कैटेगरी में डाल देते हैं हम लोग। बात समझ में आई? तो दो वैरायटी है इसकी, कैरोटीन्स और ज़ेथ्रोफिल्स। क्लियर, चले आगे आते हैं। ओके, दिस कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर रेंजिंग। ये जो कंपाउंड है, ठीक है, कैरोटीन्स वाले, ये रिस्पॉन्सिबल है, इसकी वजह से कलर की जो रेंज होती है लाइट येलो थ्रू ऑरेंज टू डीप रेड। मतलब जो हमारा विबग्योर वाला कॉन्सेप्ट देखें अगर हम लोग, विबग्योर पता है ना कलर की जो रेंज होती है, तो येलो ऑरेंज और रेड, तो वही बोल रहा है लाइट येलो थ्रू ऑरेंज, ऑरेंज से होता हुआ डीप रेड तक चला जाता है। ठीक है, सिंथेसाइज इन ऑल द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ये हर एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंथेसाइज किया जा रहा है। साइनोबैक्टीरिया, जिसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं, ब्लू ग्रीन आल्गी, आल्गी, हायर प्लांट्स एंड ऑल्सो इन सम नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ईस्ट एंड फंजाई, इनके अंदर ये सब ग्रो किए जाते हैं। तो ले देखा कहीं ना कहीं बात घूम फिर के वही आ रही है यहाँ पर कि किन के अंदर बनाया जा रहा है, कलर की रेंज क्या रहे हो गई येलो से लेकर के रेड तक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कैरोटीनॉइड्स एज एसेसरी लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स प्ले एन एसेंशियल रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स अगेंस्ट एक्सेस लाइट एंड फोटो ऑक्सीडेटिव। अब ये थोड़ा सा बच्चों को कुछ को थोड़ा टफ लग सकता है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, जिन लोगों, जिन बच्चों को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छे से याद होगी, उसमें जो अपनी साइकिल होती है, कहते हैं जो फोटो सिस्टम होता है, PS1 PS2, अगर वो थोड़ा बहुत कुछ याद है तो उसमें तुम्हें पता होगा कि कुछ पिगमेंट्स होते हैं। लाइट हार्वेस्ट मतलब लाइट को कैप्चर करना, तो जितनी भी लाइट आती है ना, ये इसको लाइट को ट्रैप करते हैं, इस लाइट की हेल्प से फिर इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है, उसके वजह से फिर आगे हमारा फोटो सिस्टम वर्क करते हैं, है ना, ATP वगैरह बनता है। खैर, तो सीधी सी बात यह है, जो लाइट को ट्रैप करने वाला सिस्टम है लाइट हार्वेस्टिंग, ठीक है ना, जो जो पिगमेंट्स लाइट को ट्रैप करते हैं, वो इसेंशियल रोल प्ले करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट, ये प्लांट को बचाते हैं अगेंस्ट एक्सेस लाइट एंड फोटो ऑक्सीडेटिव। बहुत तेज धूप हो, है ना, तो और ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि अब फोटो ऑक्सीडेटिव का जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो उसमें एक एंजाइम के लिए होता है, रूबिस्को नाम का एंजाइम होता है, ठीक है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी कैरोटीनॉइड का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो ये लाइन कुछ बच्चों को टफ लग सकती है क्योंकि इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग कहीं और से आती है, तो फिलहाल अगर कुछ बच्चे समझ सक रहे हैं तो इसको समझना, अदरवाइज चाहो तो इस लाइन को हटा सकते हैं जिनको बिल्कुल भी बात समझ में नहीं आ रही होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, कैरोटीनॉइड्स हैव गुड इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। अच्छी बात है, ह्यूमंस के ऊपर इनके अच्छे इफेक्ट है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, सच एज प्रोविटामिन ए। प्रोविटामिन ए क्या होते हैं, जो आगे जाकर के कन्वर्ट हो जाते हैं विटामिन ए में। एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटी ओबेसिटी इफेक्ट एंड एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन बोन कंपोनेंट्स, ये सारे इफेक्ट हमारे ऊपर देखने को मिलते हैं किसके द्वारा, कैरोटीनॉइड्स के द्वारा। करंटली कैरोटीनॉइड्स आर यूज्ड कमर्शियली एज फीड एडिटिव। कमर्शियली करंटली बात करें तो कैरोटीनॉइड्स कमर्शियली पैसे बनाने के तौर पे कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहा है, फीड एडिटिव खाने के लिए, एनिमल फीड जानवरों के खानों में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, नेचुरल फूड कलरेंट, फूड को कलर करने के लिए नेचुरल कलरेंट, है ना, नेचुरली निकाला और खाने में डाल दिया, इससे कलर आता है, वो केमिकल नहीं होते, नेचुरली होते तो नुकसान नहीं करते हैं। न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व दिए के तौर पर, मोर रिसेंटली एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये तो पढ़ ही रहे हम लोग चैप्टर में, फॉर कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल पर्पस, है ना, तो ये थोड़ी सी बातें बताई गई हैं कि इनका क्या क्या रहता है करके। तो ये इसका जनरल इंट्रो हो गया, क्योंकि हमको पता है हमको दो ही बातें पढ़नी है, क्या, एक इंट्रोडक्शन और एक थेरोपेटिक एप्लीकेशन। तो इंट्रो में कुछ लिखने के लिए तो होना चाहिए जब क्वेश्चन आएगा। तो ना सोर्स की बात कर ले, सोर्स हमको पता है कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, बट नॉट बाय एनिमल, दे ऑब्टेन देम फ्रॉम देयर फूड। जो एनिमल्स होते हैं वो कैरोटीनॉइड्स को अपने खाने से ऑब्टेन करते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? नाउ सोर्सेस ऑफ कैरोटीनॉइड्स इन फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टी। तो हम देख सकते हैं यहां पे मैंने इसको कंबाइंड कर दिया कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी, जैसे अगर किसी बच्चे को समझना है कि डायरेक्ट थेरेपेटिक एप्लीकेशन का क्वेश्चन आ गया कि डायरेक्ट थेरेपेटिक एप्लीकेशन लिख लिए, तो डायरेक्ट लिखिए एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है ना, बूस्ट द एक्टिविटी ऑफ नेचुरल किलर इम्यून सेल जो पैथोजन को मार देता है, गिव्स कॉर्निया प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी लाइट, यूवी लाइट से हमारी कॉर्निया को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, एंटी कैंसर, एंटी ऑक्सीडेंट यहां पे हो गया है, पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर, ठीक है, कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ल्यूकेमिया,
रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है, ठीक है, सर्वाइकल ल्यूकेमिया इन सब से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द आईज अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन, AMD से हम कहते हैं, कैटरेक्ट मोतियाबिंद हो गया, एंटी कैंसर। तो ये सारे 6-7 पॉइंट हैं, ठीक है, जो हमें याद कर लेने हैं। टेबल इस तरह की बना पाओ तो बहुत अच्छी बात, इसमें सब कवर हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज ये तुम यहां पर क्या लिख सकते हो, थेरापेटिक एप्लीकेशन लिख सकते हो। अब यहां पर क्यों अच्छी बात है, जैसे कि मैंने बताया कैटेनॉइड को अगर मोटा मोटा देखें तो एक तो हमने कैरोटीन और वैसे डिवाइड कर दिया था, एक हम लोग डिवाइड कर सकते हैं प्रोविटामिन ए नॉन प्रोविटामिन ए। प्रोविटामिन ए क्या होते हैं, ऐसे कैरोटीनॉइड्स जो आगे जाकर के विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। प्रोविटामिन ए कैरोटीनॉइड आर द प्लांट पिगमेंट्स दैट द बॉडी कन्वर्ट इनटू विटामिन ए इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जाकर ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। अल्फा कैरोटीन बीटा क्रिप्टोक्सैंथिन। नॉन प्रोविटामिन ए ऐसे कैरोटीनॉइड्स जो आगे जाकर के विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं होंगे, लाइकोपीन ल्यूटीन और जियाक्सैंथिन। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सोर्स पीचेस ऑरेंज, ये चाहो तो एक एक दो दिन के याद रखना क्या काम करते हैं, ठीक है ना। ये टेबल बना दोगे ना, मतलब 3 नंबर का अगर तुम्हारा क्वेश्चन है, सपोज 3 नंबर का 5 नंबर का, और तुम ये टेबल बना के चले आते हो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिख दो और ये टेबल बना दो, तुम्हारा कोई क्वेश्चन कटेगा नहीं, गारंटी इस बात की, मतलब नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है ना। जरा सा भी सब कुछ यहाँ पे तुम्हारा एक ही चार्ट में सब कुछ क्या हो जाता है, मेंशन हो जाता है। अब तुम इमेजिन करो ना, यही सारी चीजें तुम यहाँ लिखो टाइप, फिर एग्जांपल, एक एक चार चार लाइन लिख रहे हो तो यही 2-4 पन्नों में आ जाएगा। अगर ये टेबल याद है तो यही 2-4 पन्नों में आ जाएगा, कम से कम 2 पन्नों में तो आएगा ये, क्लियर है। और इसको एक और तरीके से शायद मैंने यहाँ पर दे रखा है, हाँ, बायोलॉजिकल इफेक्ट एंड थेरोपेटिक इफेक्ट, इस तरह से देख सकते हैं हम लोग। बायोलॉजिकल इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट करता है, प्रोविटामिन ए एक्टिविटी यानी विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी करता है, इम्यून रिस्पॉन्स है इसका, सेल साइकिल पे इफेक्ट डालता है, सेल डिफरेंशिएशन पे इफेक्ट डालता है, गैप जंक्शन कम्युनिकेशन, जो सेल्स के बीच में गैप जंक्शन होते हैं जिससे दो सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म। डिजीज प्रिवेंशन की बात करें तो कैंसर, कैटरेक्ट, AMD, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इम्यून, HIV और UV स्किन प्रोटेक्शन। तो वही सारी बातें वहां पर हैं, लिखने के तरीके अलग अलग हैं, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, ये जो तरीका होता है इससे याद करना बड़ा ही आसान हो जाता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें, तो ठीक है। ये जो था हमारे पास बायोलॉजिकल इफेक्ट एंड थेरेपेटिक इफेक्ट आ गया, क्लियर है। उसके बाद यहां पर क्या हमारे पास, ये सारी चीजें आ गई, सोर्स आ गया, जनरल इंट्रो आ गया। तो यही था हमारे पास कैरोटीनॉइड्स को लेकर के कुछ जनरल बातें, और क्यों इंपॉर्टेंट है तो देख ही सकते हो, काफी ज्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। और लाइकोपीन वगैरह जो टमाटर वगैरह में पाया जाता है, तो ये तो हमें रोज खाने ही चाहिए, है ना। तो फिलहाल वहां पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हमें मेन ध्यान कहां देना है कि इसकी चीजें मेन याद रखनी है, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ये लेक्चर कंप्लीट होता है, एक लेक्चर और आएगा इसके बाद और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, क्लियर है। ओके, क्या करना है, रिवीजन, गुड, ऑल द बेस्ट।